हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजी जॉब्स अपडेट में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये शिक्षा विभाग के अंतर्गत दंतेवाड़ा जिला, यहाँ पर बस्तर दंतेवाड़ा में यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर 2023-24 सीज़न में यहाँ पर दो प्रकार के पदों पे भर्ती किया जाना है। पहला जो है विषय विशेषज्ञ, दूसरा अतिथि शिक्षक। बात किया जाए यहाँ पर जो विज्ञापन भर्ती के लिए, तो इस ज़िले में बस्तर दंतेवाड़ा ज़िले में छू लो आसमान योजना के तहत यहाँ पर PET और PMT जो कि आवासीय कोचिंग सेंटर्स बालूद और पहला बालूद और दूसरा करली में कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्ययन करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको यहाँ पर नीट और JEE के कोचिंग के लिए यहाँ पर व्यवस्था किया जाना है। तो जो 2023-24 सीज़न में यहाँ पर दो प्रकार के वैकेंसीज है, विशेष विशेषज्ञ और अतिथि शिक्षक, जिसपे कुल पद जो बात किया जाए तो यहाँ पर कुल पदों की जो संख्या है कुल 10 पद है, जिसमें दो प्रकार से हैं ये दो, विषय विशेषज्ञ और अतिथि शिक्षक। इसके लिए यहाँ पर जो व्यवस्था किया गया है वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा यहाँ पर आपको जो है चयन किया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है आप जो व्यवस्था किया गया है, पता रहेगा एड्रेस जिला शिक्षा अधिकारी जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, इस पते पर आमंत्रित किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया वगैरह जिसमें डेमो आपको देने होंगे, क्लास वगैरह और इंटरव्यू यहां पर होने वाले हैं, ठीक है। आगे हम इस पे जो डिटेल्स है उसके बारे में बात करेंगे, कुल पद है, इसके लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, वेतन किस प्रकार से मिलेगा, ये सब के बारे में, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। नीचे रेड बटन दिया हुआ है उस पर क्लिक करके आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल फ्री है, ठीक। तो ये दोनों आप कंप्लीट कर लेंगे। आगे हम इस पर बात करते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे शो हो रहा है पदों की जो संख्या है कुल 10 पद है यहाँ पर, ठीक है, जिसमें पहला जो है विषय विशेषज्ञ या शिक्षक, जिसमें गणित के लिए 2 पद और भौतिक के लिए 2 पद है। योग्यता की बात किया जाए तो या तो MSc कंप्लीट होना चाहिए या फिर BE BTech इंजीनियरिंग या फिर MTech, यहाँ पर इसमें से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। इंस्टीट्यूट की बात किया जाए तो यहाँ पर या तो IIT या फिर NIT या फिर IISER या IISC या फिर NISER, इसमें से किसी भी एक मान्यता प्राप्त संस्था से आपका उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। तो और साथ में यहाँ पर मान्यता प्राप्त कोचिंग संस्था से कार्य करने का यहाँ पर अनुभव होगा तो आपको यहाँ पर प्राथमिकता दिया जाएगा, ठीक है। वेतन की बात किया जाए तो 75,000 रुपये एक मुश्त वेतन दिया जाएगा। यह जो चयन है एक वर्ष के लिए, केवल एक वर्ष के लिए जो है चयन किया जा रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि यह जो पद है पूर्णतः अंशकालीन के रूप में रहेगा, अतिथि शिक्षक के रूप में, देख सकते हैं यहाँ पर हेडिंग में यहाँ पर दिया गया है। अगला जो पद है हमारा अतिथि शिक्षक के लिए गेस्ट टीचर, जिसमें आपका गणित भौतिक और रसायन के लिए 2-2 पद हैं। इसके लिए जो योग्यता रखा गया है MSc कंप्लीट होना चाहिए या फिर MA या फिर इसमें BEd भी कंप्लीट होना अनिवार्य है, ठीक है। मान्यता प्राप्त संस्था से अध्यापन कार्य एक्सपीरियंस अनुभव होगा तो आपको यहाँ पर ज़्यादा पहले प्राथमिकता दिया जाएगा अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में, ठीक है। इसके लिए वेतन जो है 25,000 रुपये एक मुश्त दिया जाएगा, ठीक है। आगे इस पर हम बात करते हैं, जो इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा वो तिथि जैसे कि 26/9/2023 को, यहाँ पर 26 सितंबर को यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू की व्यवस्था किया गया है, जो कि जिला शिक्षा अधिकारी दंतेवाड़ा के पते पर। तो इसके लिए जो है विस्तार से जानकारी के लिए आप यहाँ पर PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिले की वेबसाइट में आपको जो है मिल जाएगा, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको PDF भी मिल जाएगा, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक, जो कि क्या है बिल्कुल फ्री है, ठीक, इसमें आपको PDF मिल जाएगा, ठीक। और ऐसे ही जितने भी वैकेंसीज रहते हैं उन सभी के PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में, और इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी नोटिस आता है वो भी हमारे टेलीग्राम के चैनल के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। बाकी इसके लिए जो है पॉइंट्स वगैरह कैसे कैलकुलेट होगा वो आपको जैसा कि स्क्रीन पर यहाँ पर शो हो रहा है, जिस यूनिवर्सिटी से आपके यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपका रहेगा उस यूनिवर्सिटी के हिसाब से, जैसे IIT ISC वगैरह से होंगे तो आपका 10 पॉइंट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, एक्सपीरियंस 5 ईयर प्लस रहेगा तो 20 पॉइंट्स दिया जाएगा। वहीं NITs में, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में और टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में रहेगा तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका जो है मार्क पॉइंट आपको दिया जाएगा, ठीक।
ठीक है, और अदर इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट और एमएससी कॉलेज, ये सभी रहेगा। तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर टोटल पॉइंट्स कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। आउट ऑफ यहाँ पर 60 पॉइंट के हिसाब से आपको जो है कैलकुलेट किया जाएगा। साथ में इंटरव्यू और डेमो क्लासेस आपको देने होंगे। इन सभी को कैटेगराइज करके मार्क्स आपको दिया जाएगा, उसके बाद फाइनल जो है मेरिट तैयार किया जाएगा, ठीक है। अब इस पर बात किया जाए तो अतिथि शिक्षक के लिए जो है वैकेंसीज है यहाँ पर, इसमें शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, बीएड प्रमाण पत्र, ये सभी होने चाहिए। साथ में चयन जो प्रक्रिया रहेगा ये ध्यान देंगे, चयन प्रक्रिया तो डेमो साक्षात्कार लिया जाएगा, इंटरव्यू जिसमें से 70 जो कि शैक्षणिक योग्यता का, डेमो का 15 अंक और इंटरव्यू का 15 अंक, इस प्रकार से यहाँ पर होगा, जिसमें से 30 अंक में से 10 अंक आना अनिवार्य है जो कि इंटरव्यू में, ठीक है। इसके बाद जो नियम शर्तें हैं, यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में आपको पढ़ाने में आप सक्षम हो, एक वर्ष के लिए यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा आपको वेतन एकमुश्त दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपको डिटेल्स आप यहाँ पर प्रारूप वगैरह जिले की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसे पीडीएफ के लास्ट में आपको दिया गया है जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। आवेदनों का मेरिट अनुभव के आधार पर छटनी के पश्चात ही आवेदकों को जो आवेदन किए रहेंगे उनको इंटरव्यू वगैरह के लिए बुलाया जाएगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, डेमो वगैरह के बाद, ठीक। इसके बाद ये सब आवेदन डिटेल्स और अच्छे से पढ़ सकते हैं कैसे करना है। इसके बाद डेमो और जो इंटरव्यू है उसका यहाँ पर डिटेल देखते हैं। जैसा कि जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट दंतेवाड़ा में जो है आयोजित किया जाएगा, जो कि तिथि है 26 सितंबर को, दिन शुक्रवार, दोपहर 10:30 से 12 बजे तक आपका डेमो होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दस्तावेजों का, और उसके बाद डेमो और इंटरव्यू जो है उसके पश्चात मेरिट सूची तैयार करने के बाद होगा दोनों पदों के लिए, ठीक है। तो ये सब जरूरी चीज़ें हैं जिसको हम यहाँ पर बात कर चुके हैं। आवेदन का जो फॉर्मेट है इसी प्रकार से है जैसा कि स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये इसको भर के प्रिंट करा सकते हैं और साथ में यहाँ पर इंटरव्यू में अटैच कर सकते हैं इंटरव्यू के टाइम, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।